बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ बीमा के पिताजी हूँ हमेशा ठीक होते हैं। और सुबह का काम देखो मेरे कैसे फैला हुआ है, कल का काम है, मैंने थोड़ा सा फास्ट वीडियो कर दिया है क्योंकि जल्दी जल्दी सब निपटाना भी है और अभी जा रही हूँ। ये छोटा सा देख रहे हैं सिग्नल पर मेरी नानी का दिया हुआ, अभी सब फैला पड़ा हुआ है, अभी सब लोग सो भी रहे हैं और मुझे बहुत सारे काम निपटाना है। आज भी सो पति देव जाएँ तो गमलों में जा रही हूँ, ऊपर आज गमलों की भी गुड़ाई करना है, इसके बाद में ऊपर देखिए छोटंका सा बेड भी आज सज गए, संवर गए, डेकोरेट हमने कर लिया क्योंकि इसी के सारे कपड़े कल हमने धूप में डाला था, सो आप देख रहे हैं। और सोफों की भी आज मरम्मत है, सोफों की भी कवर वगैरह मैं सब धुलने के लिए ले गई, और इस बेड का भी मैं ले गई चादर वगैरह जो दरी वगैरह इसके नीचे से डाले रहती हूँ। तो ये गद्दे तो बहुत ही भारी है, मेरे लिए ले जाना बहुत ही मुश्किल है, देख रहे हैं एक एक गद्दा ना एक एक कुंटल का हो सकता है, तो मेरे लिए मुश्किल है ले जाना। वैसे तो ना मकान की डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ा सा हैवी मकान हो तो और अच्छा लगता है। तो कल तो बहुत ही साफ सफाई की, मकान की एक भी जाला नहीं है, सब मैंने साफ सफाई कर लिया। और इस रूम का भी आज मैं ले गई धुलने के लिए, धुलने की क्या धूप में डालूंगी दरी वगैरह सब, और सोफों के कवर वगैरह तो धुलूंगी, अभी जा रही हूँ मशीन भी लगाने। सो अब जा रही हूँ छत में, थोड़ा सा गमले देख लेते नहीं फिर हो जाएगी काफ़ी धूप। और सारा सामान मेरा ऐसे फैला आज भी पड़ा हुआ है, देखिए ऊपर मिलते हैं आपसे छत में। बहुत तेज धूप है, देख रहे हैं सुबह सुबह से इतने सारे हमने गमलों की डेकोरेशन किया, देख रहे हैं से आ गए हैं, ऊपर का काम हो गया। और धूप से आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे ठंडे ठंडे में बैठो, और जीने से हवा भी बहुत अच्छी आ रही ठंडी ठंडी। तो देखिए धूप में थोड़ी देरी रही ना तो अजीब से एकदम से जलन सी होने लगी, इसीलिए मैं कोई धूप का काम नहीं करती हूँ। लेकिन आज पति देव को थोड़ा सा पकड़ना था, आज बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आए हैं सुबह सुबह की गमलों की डेकोरेशन करना से, सो हमने करवा लिया। और अभी बहुत सारे काम निपटाना है, पूजा नहाना भी है, और नहा करके फिर पूजा भी करना है, फिर नाश्ता भी तैयार करना है, और खाना भी बनाना है। खाना में देखो आज मनु की फरमाइश है कि मैं नाश्ते में तुमको मैगी चाहिए और खाने में पनीर चाहिए,
सो आज बहुत सारी भी तैयारी करना है। कल तो इतनी थकावट हो गई थी कि बता नहीं सकती, वो तो कहूँ मीना ने खाना रेडी कर दिया तो अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। कल तो मेरी हालत ख़राब थी और आज भी हालत ख़राब ही है, क्योंकि धूप में रह कर कितने पिसरे का, और वो नहा भी लिया, हम जा रहे हैं फटाफट काम उठा लिए, तो कहेंगे तुम बाकी कर रही हो। चल रहे हैं पोछा लगाने, इसके बाद हम आपसे बाद में मिलते हैं। देखिए नाश्ता रेडी हो गया और मनु नाश्ता भी करने लगे, गोभी और इनकी मैगी बन भी गई, कंप्लीट भी हो गई, खिला भी रहे हैं आपको। आप लोग भी आइए इनके साथ नाश्ता करिए, बाद में मिलते हैं। देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, पनीर। आज मनु की पसंद की पनीर बन रही है, सो पनीर कट करके मैंने रख लिया, टमाटर पीस करके रख लिया, और ये बीन्स भी मैंने काट करके रख लिया, क्योंकि मुझे आज पनीर वो नहीं, मटर नहीं डालना है। और चावल भी मैंने धुल करके साफ करके रख लिया, सो पनीर चावल रोटी ही बनेगा। और ये देखिए हमारा पेस्ट भी रेड हो रहा है, मैंने जल्दी जल्दी मतलब इसमें प्याज लहसुन मिर्चा जीरा सब पीस करके ये पेस्ट भी हमारा रेड हो रहा है, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत ही हड़बड़ी है और टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। अभी हम बच्चों को नाश्ता कराने के बाद जस्ट हमने गर्म पानी बस लिया, अभी मेरी चाय पक रही है, क्योंकि खाना भी इनको तुरंत ही चाहिए ना, तो संडे का बहुत सारा काम हो जाता है। कल से तो हालत ही खराब है काम कर करके, अब आपसे हम बाद में मिलते हैं। के हमारी पनीर रेडी हो गई, ग्रीन्स वाली पनीर, इसमें आज हमने मलाई भी नहीं डाला है, और देखिए ज़्यादा न तेल है न मसाला है, कितनी टेस्टी पनीर दिख रही है। और रोटियां भी सेक रही हैं, देखिए रोटियां बन रही, चावल भी कंप्लीट हो गया, और मीना भी आ गई है, रोटी बना रही हैं। सो आप भी आइए हमारे साथ, पनीर रोटी चावल खाइए, सब लोग साथ मिल करके खाते हैं, आइए आप लोग भी, बुला रहे हैं आप लोगों को भी। ये देखिए आज इतने सारे कपड़ों की धुलाई हुई है, ये हमने इतने सारे कपड़े धुल करके सुबह ही डाला है, और अब जा रहे हैं इनको सब फोल्ड करने, और इसके बाद अभी मुझे चावल भी साफ करना है, और चाय हमने पी लिया। सो कपड़े फोल्ड करने के बाद, नहाने के बाद तब आपसे मिलते हैं। जय माता की। शाम के 6:30 बज रहे हैं, अब हम खाली हुए हैं, आज भी पूरा दिन काम में लगे रहे हैं, सो थोड़ा चावल बचा था उसको भी हमने छान बीन करके रख लिया। हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, जो मैं आप लोगों को छोटंकर से ब्रेड दिखाई हूँ ना, सो मेरी नानी का दिया हुआ ना, आप लोग ये मत सोचेगा कि मेरी नानी ने इतना छोटा सा ब्रेड दिया, तो मेरी नानी ने मुझे बहुत कुछ दिया था सोना चांदी, तो मैं बता नहीं सकती, वैसे भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार थी, लेकिन आप जानते नहीं ना ससुराल में थोड़ा बहुत कमियां होती है ना, तो काना खुशी वाले बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं कि काना खुशी कर देते, अरे मत दीजिएगा इतना सामान, नहीं वो कहाँ रखेगी, उसके तो रखने की जगह ही नहीं है घर में, ये है वो है, तो इस वजह से मुझे छोटा छोटा सामान मिला। और गुप्त रूप तो मेरी नानी ने मुझे बहुत कुछ दिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया, बड़ों का आशीर्वाद है कि आज किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं है। सो मैं अब ज्यादा तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, और अभी मुझे आरती भी करना है भगवान जी की, और नहा करके बस आप लोगों से बात करना शुरू कर दी हूँ। सो अभी थोड़ा सा मैं दाल चावल भी रेडी करूंगी, क्योंकि शाम को सिंपल खाना उन लोगों को पसंद है, तो मैं दाल चावल भी बनाऊंगी। और इंडियन ब्लॉगर गौरी, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम यूट्यूब बनाना बंद कर देंगे, यूट्यूब चैनल नहीं बनाएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए प्लीज। और जितने भी यूट्यूबर हैं सब मैं मेरे से बहुत ही प्रिय हैं, मैं सबको बहुत ही मानती हूँ, और देखिए मेरी ही बेटी है, मेरे अपने तो बहुत लोग हैं यूट्यूब में, मेरी अपनी बेटी रुचि पांडे अदय फैमिली से हैं, लेकिन मैं किसी की देखिए हेल्प नहीं मांगती हूँ, जब माँ की कृपा होती, माँ की कृपा होगी, किसी को मेरे लिए हेल्प करना होगा सो कर देंगी, और मैंने तो ये सोच करके ही नहीं डाला है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो क्यों हम, आप तो इतने सारे मतलब वीडियो बना भी लिए हो, और एक 1.5 साल से आप मेहनत भी कर रहे हो, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आप मेरी कौन हो, लेकिन यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर हैं मैं सबको बहुत मानती हूँ, और सब मेरे बहुत ही प्रिय हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए, मैं हिम्मत से देखिए आप लोगों को इतना हिम्मत में देती हूँ, और मुझे देखिए पहले भी जब 11 साल घूंघट में रही तब भी लोग बुराई किए हैं, और 14 साल जब बेटा नहीं हुआ तब भी लोग बुराई किए हैं, और आज भी देखिए हंसती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, खुश रहती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ, तब भी लोग बुराई करते हैं, और कितनी तरह तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोई कहता अनपढ़ है, कोई कहता गंवार है, ये है वो, मेरे 40-50 वीडियो हुए हैं, लेकिन लोग बोलने से नहीं मानते। और जो मेरे अपने खास है ना, अगर मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हो, अरे कहाँ टाइम है, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चलती है, सो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है,
तो जिनके लिए मैंने पूरा पूरा दिन टाइम दिया, वो मेरे लिए 10 मिनट टाइम देने के लिए मतलब मुझे उन लोगों को सोचना पड़ता है। सो देखिए, फिर भी मैं लगन से लगी हुई हूँ। मैं ये थोड़ी है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप अगर हिम्मत से लगन से लगे हो तो एक न एक दिन माता रानी आपको जरूर कामयाब करेंगी। और मुझे देखिए, कितना लोग बोलने के बाद भी फिर मैं खुश रहती हूँ। और आज पूरा दिन मैं काम में थी, काम की, और एक मिनट के लिए मैंने आराम नहीं किया, फिर भी बच्चों की देख रेख। मुझे यहाँ तक लोग बोलते हैं कि जय माता की करती है, और मतलब बासी खाना देती है, ये करती है, वो करती है। सो मैं अभी से नहीं, मैं इतने सालों से सिर्फ मेरी माँ प्रशंसा करेगी। यहाँ इंसान किसी की प्रशंसा नहीं करता। अगर आप अपने घर में नमक रोटी खा रहे हो और खुश हो, और जो भी आपके जलने चिढ़ने वाले हैं ना, वो आपको जरा सा मुस्कुराते हंसते हुए देख लेंगे ना, तो इतने सारे क्वेश्चन खुराफात आप लोगों के लिए सोचेंगे कि ये कैसे हंस रही है, ये कैसे मुस्कुरा रही है। तो आप ऐसा मत सोचिए, यहाँ जलने वालों की कमी नहीं है। आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो। जो भी मुझसे 60, 70, 100, 150 लोग जुड़े हैं, वो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। मैं उन लोगों को बहुत मानती हूँ। अब मैंने तो माँ का नाम लेकर के चैनल वो किया है, माँ सिद्धार्थी माता, माँ गुरु जी जो भी हैं, कि माँ से मैंने इसलिए जोड़ा है कि जो भी मैं माता की भिक्षा मांगती हूँ, वो लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे तो उन लोगों की भी भिक्षा उस अकाउंट में जाएगी जहाँ जहाँ मैं भिक्षा मांगती हूँ। और वो माँ तो सबको देने वाली है, वो माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे तो हम सभी लोग हैं, तो वो तो सबका पूरा करने वाली है। फिर भी देखो मैं हंसती रहती। कई लोग मुझे बोलते हैं वीडियो बनाते समय ज्यादा हंसा मत करो, फिर भी मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ, लेकिन मेरा ना मुझे खुश रहना बहुत ही अच्छा लगता है। और खुश रहने से ही ये जो ग्लो आता है ना, ये हमेशा आप खुश रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं रखोगे, हमेशा ईश्वर माता रानी आपको खुश रखेंगी। ये आप मेरी गांठ बांध करके रखिए। और मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं जो परिश्रम की हूँ और मेरा जो कोई साथ दिया है, वो मेरी माँ है आदि शक्ति, कल भी थी और आज भी है। इसलिए हिम्मत से लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। और आज तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मनु कह रहे थे कि माँ हमको भी दिखाए, मनु, लेकिन मनु ना लगता है नीचे गए। अब चलिए हम आपको कल मनु से मिलाते हैं, आज नहीं मिला पाएंगे। तो अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर मेरी बातें और मेरा काम धाम अच्छा लगे, मैं काम तो इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ ना, कि क्या करूँ, किसी का मैं मुंह थोड़ी पकड़ सकती हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि जय माता की करती है, काम धाम तो कुछ है नहीं। मेरे जैसे काम कि मैं सारा सारा दिन कुछ कुछ लगी रहती हूँ काम में, और जरा से भी थकावट नहीं। अभी आरती पूजा करके बच्चों को पढ़ाने बैठाना है, खाना भी रेडी करना है, बर्तन भी धुलना है, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। सो बहुत सारे, और हिम्मत से लगन से सारे काम करना चाहिए। अपना काम करने में बहुत सुख मिलता है। यही हमारा चारों धाम है, यही पूरा संसार है। तो आप लोग भी, इसीलिए मैं YouTube में हूँ, कोई मेरा चैनल देखे या ना देखे, माँ देखेगी। और आप लोग अगर लाइव सब्सक्राइब करोगे तो वो माँ से जुड़ोगे, आज शक्ति माँ से जुड़ोगे। इसीलिए मैं आज यहीं पर वीडियो का एंड कर रही हूँ। और मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ब्लॉगर गौरी आपके लिए, माँ हमेशा आपको खुश रखे। आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपका चैनल मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, कई यूट्यूबर हैं जिनका मैं चैनल देखती हूँ। सो उसमें प्रिया भी है, प्रिया का भी चैनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे अपने जितने हैं मैं सबका देखती हूँ, कोई मेरा देखे या ना देखे, मैं तो सबका देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे ये ईर्ष्या नहीं है कि क्या कैसे है, वो माँ का नाम लेकर के हूँ ना। तो आप हमेशा खुश रहिए। और मैं अब यहीं से जय माता की करती हूँ और अब जा रही हूँ आरती करने। इसी तरह हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपने सामने वाले को हमेशा खुश रखिए। जय माता की।